अच्छा रिसेंटली अग्निवीर को लेके भी काफी बवाल बचा है, अपोजिशन अपोज के नाम पे अपोज कर रहा है, लेकिन उषा काफी ज्यादा। क्यों ऐसा हुआ हम अभी तक, ये एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी था, उसी लिए कंट्रोवर्सी ज्यादा चला नहीं, ये चला नहीं, एक दो दिन चला उसके बाद चलो। क्यों यूथ में काफी उषा है, काफी ना? देखिए एक बात है कि इस साल तो ओनली 46,000 रिक्रूटमेंट, बट लेकिन चार पाँच साल में 1.25 लाख होगा, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए उसमें तो 25% आर्म फोर्सेस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और द रेस्ट ऑफ द 75% दे विल गेट पेड, दे विल गेट ट्रेनिंग, दे विल कम बैक विद अ बिग 1.5 लाख, कितना बहुत ज़्यादा, एक पूरा सेविंग्स उनके पास हो, एक पूंजी रहेगा, इफ़ दे वांट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज दे कैन स्टार्ट इट, घर बनाना चाहते हैं घर बनाने। लेकिन आप 25-28 साल में जितना में आपको तो सारा जीवन सामने है, एंड यू आर अ ट्रेंड पर्सन एंड यू गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर, और कंपनी लोग बोल रहे हैं हाँ ये सब लोग को ले सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन रूप में इनका एक ओरिएंटेशन हो गया है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड मेरे ख्याल में, अच्छा आप देखे थे जब बुलेट ट्रेन शुरू हुआ कितना विवाद हुआ, अरे इंडिया के लिए बुलेट ट्रेन क्या जरूरत है। आई गारंटी यू दिस, जब पहले बार जब बुलेट ट्रेन शुरू होगा अहमदाबाद टू मुंबई, उसके बाद सब जगह लोग कहेंगे भाई भुवनेश्वर टू कलकत्ता एक कर दीजिए, भुवनेश्वर टू हैदराबाद एक कर दीजिए, हाँ ये दिल्ली टू शिमला चंडीगढ़ एक बुलेट ट्रेन कर दीजिए, ऐसा डिमांड्स ऑल ओवर इंडिया आएगा। तो अग्निवीर का भी यही बात है, अभी जब देखिए 2-3 साल के बाद लोग कहेंगे भाई 1.25 लाख में मत रखिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए 2.5 लाख कर दीजिए, यही होगा। सर लास्ट क्वेश्चन से आपसे रहेगा, काफ़ी सालों से आपने देखा है, इंडियन पॉलिटिक्स को देखा है, डेवलपमेंट को देखा है, भारत के विकास को देखा है, न्यू इंडिया को आप कहाँ रखते हैं अभी, और इन पे मोदी जी का? देखिए अगर आप न्यू इंडिया बोल के जो कुछ कहना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि भारतीय लोगों का एक आत्मविश्वास आज आ गया है, दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अब डिवेलपमेंट, ये हमारा रास्ता बेटर है, ये है वो सब तो है ही, ठीक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हुआ है एट्सेट्रा, बट सबसे ज़्यादा आज हम लोग भारतीय होने का एक मीनिंग सोचता है। पहले लोग एक इंडियन पासपोर्ट लेते रहे, अरे भाई इंडियन पासपोर्ट बड़ा दिक्कत होगा सारी दुनिया में, आजकल दिक्कत नहीं होता, एक सम्मान का चीज़ हो गया, और ज़्यादा बढ़ेगा ये, और ये जो आत्मविश्वास है न्यू इंडिया का, दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस विल हेल्प अस गो इन टू द फ्यूचर। टुडे पीपल आर नॉट डिफेंसिव कि हम लोग इंडिया में है भाई, हमारा तो भाई हमारा कज़न वो लोग तो चले गए अमेरिका में चले गए, उन लोग बेटर है, वी आर नो लॉन्गर डिफेंसिव, वी फील हमारा ही फ्यूचर है, और ये जो आत्मविश्वास है यही मेरे लिए न्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्रतीक है। इनका पूरा क्रेडिट जाता है मोदी जी को? देखिए सारा दुनिया सारा भारत के सब लोग के पास क्रेडिट जाता है, लेकिन एक लीडरशिप के ऊपर ये एक क्रेडिट जाता है कि एक डायरेक्शन दिया है मोदी जी का, ये है कि लोगों को एनर्जी चैनल करने दे, एक फैसिलिटेट कर दिया, उसीलिए दैट इज द टास्क ऑफ लीडरशिप। सब अपने आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू कैन जस्ट गाइड पीपल कि भाई चलो